चलो तो बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। नजर आ रहा है जी चेतन? हेलो चेतन। ओके चैट ओके ओके ओके। और ये नजर आ रहा है स्क्रीन जो अभी हम शेयर किए हैं, वो पूछ रहे हैं। चेतन जवाब जल्दी दीजिए, ये नजर आ रहा है जो स्क्रीन अभी शेयर किए हुए? ठीक है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़ चुके थे उससे आगे इस क्लास में जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये देखने वाले हैं। तो बेसिकली जो है ठीक है बेसिकली स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो हम लोग कैसे देखने वाले हैं। ऐसे तो कई सारा चीज़ों से हम लोग देख चुके हैं कौन ज़्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है हम लोग देखने वाले हैं। तो एक इसमें होता है स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट। क्या होता है स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट? तो बेसिकली स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट को हम लोग रिप्रेजेंट स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट को हम लोग फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट भी कहा जाता है। स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट को बीटा एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? बीटा एन से। और इस फॉर्मेशन कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग के एफ, इससे करते हैं के एफ से। और ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट या फिर फॉर्मेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है? एम एल एन अपॉन एम, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ एम इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एल। ठीक ये इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। और यदि हम लोग देखें तो इसमें एक टर्म आता है के डी, ठीक है, एंड के डी इज इक्वल टू डिसोसिएशन। ठीक है जो डिसोसिएशन आपका हो रहा है वो वाला आता है। तो बोलता है के एफ इज डायरेक्टली टू, सॉरी के एफ इज इन्वर्सली टू के डी। तो जाहिर सी बात है ठीक है के एफ इज इन्वर्सली टू क्या हो जाएगा? के डी। यानी जितना ज्यादा के एफ होगा उतना ही कम, जितना ज्यादा के एफ होगा उतना ही कम क्या होगा आपका? के डी देखने को मिलेगा। ठीक है और जितना ज्यादा हायर बी एन होगा उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा? स्टेबिलिटी बढ़ेगा। जितना ज्यादा के एफ उतना ज्यादा बी एन उतना ही ज्यादा क्या होगा? स्टेबिलिटी उसका बढ़ेगा। अब चीज को समझना है ये कैसे किस तरीके से ये काम कर रहा है क्या हो रहा है। तो जैसे हम मान लेते हैं कि M मेटल है कोई, यहाँ पे H2O N है, ठीक है H2O N मतलब कि नंबर यहाँ नहीं दिया हुआ, N लिखा हुआ और ये प्लस है। और इसमें एक लिगेंड हम लोग ऐड किए, तो एक लिगेंड जैसे ही ऐड करेंगे इसमें तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा? एक यहाँ से जो है एक वाटर जो है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है यहाँ से जो जितने भी वाटर थे वो क्या हो गया? एक बाहर निकल गए और यहाँ पे क्या आ गया? लिगेंड ये आ गया। ठीक है अब यहाँ पे एन माइनस वन भी हम लिख सकते हैं। ठीक है और ये इस तरीके से हो जाएगा H2O बाहर निकल गया एक, तो ये क्या हो जाएगा? बीटा वन, यानी कि एक तरह से फॉर्म स्टेबिलिटी कांस्टेंट वन या फिर फॉर्मेशन कांस्टेंट इसको हम वन मान लेते हैं। उसके बाद यही वाला ये जो पूरा है ठीक है उसमें से ये यहाँ हम ले लिए, ठीक है उसमें से एन माइनस वन। ठीक अब यहाँ से एक यदि हम और L2 को हटा दें, ठीक है मतलब एक और लिगेंड को ऐड कर दें, ठीक है एक और लिगेंड कर दे तो एक और H2O जो है वो फिर बाहर मतलब एक और H2O बाहर निकल जाएगा। तो N माइनस क्या हो जाएगा? टू। अभी इसी तरीके से हम करते चले जाए, ठीक है इसी तरीके से क्या करते करते चले जाए। इसी तरीके से यदि हम करते चले जाए तो अपने को क्या नजर आएगा? फाइनली ये नजर आएगा कि इसमें L जो है अब N टाइम्स हो गया है। L जो है वो N टाइम्स हो गया और वाटर जो है वो क्या हो गया है? सिंगल अकेला बच गया है। ठीक है अब इसमें यदि हम L जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा? LN।
ठीक है, एलेन पूरा का मतलब कि कंप्लीट, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, वाटर, वाटर जो भी था सब वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और इसका जो फॉर्मेशन कांस्टेंट है उसका हम क्या मानेंगे, बीटा एन मान लेते हैं, ठीक। तो यदि कट करना चाहें तो ये वाला कट हो जाएगा और इसी तरीके से कट होते जाएगा। तो ओवरऑल जो अपने पास मिलेगा नेट, नेट जो अपने पास मिलेगा वो क्या मिलेगा, MH2O, ठीक है, प्लस माइनस एन, ठीक है, यानी कि ये वाला, ये तो दिख रहा है प्लस, इसमें हम क्या किए, NL, यानी कि लिगेंड जो है वो N हम लोग इसमें ऐड किए, ठीक है, N लिगेंड जो है हम लोग इसमें ऐड किए, ठीक। और ये जो बनता हुआ क्या नजर आया, ये MLN, ठीक। और साथ ही साथ क्या हो गया, NH2O जो है वो बाहर निकल गया एक्सेस में, तो ये बेसिकली नजर आया। तो ये क्या आया आपका, बीटा एन इज इक्वल टू क्या निकला, ये बीटा एन इज इक्वल टू क्या निकला, B1 इंटू B2 इंटू, ठीक है, डैश 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 डैश, और ये क्या हो जाएगा, BN, ठीक है, कंटिन्यू चलता जाएगा। तो कहता है कि कैलकुलेट द, अब क्वेश्चन के फॉर्म में यदि हम इसी को आए समझने के लिए, तो बोलता है कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट फॉर द फॉलोइंग फॉर्मेशन, ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट फॉर द फॉलोइंग फॉर्मेशन, इसके ये जो फॉर्मेशन हुआ है उसके लिए आपको क्या कैलकुलेट करना है, फॉर्मेशन ऑफ दिस कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, फ्रॉम Ag प्लस एंड NH3, किससे बन रहा है ये, तो Ag प्लस और NH3 से ये बन रहा है। तो फॉर्मेशन क्या मतलब कि बन करके क्या तैयार हुआ, AgNH3 का होल टू, ठीक है, और इस पे कौन सा चार्ज है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अब Ag जो है एक्ट एज अ लिविस एसिड, Ag प्लस एक्ट एज अ लिविस एसिड, और NH3 चूंकि लोन पेयर है तो ये किस तरीके से एक्ट करेगा, एज अ लिविस बेस की तरह एक्ट कर रहा है। अब ये क्या करेगा, इसको देगा इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, और बनेगा क्या, Ag, और ये रहेगा NH3, और ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बाहर, और इसका जो K1 या फिर KF, ठीक है, K1 हम अभी मान लेते हैं वही KF है, तो K1 जो होता है वो 10^3 होता है, मान ले रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं लेट, ठीक है, कंसिडर कर रहे हैं इसको। अब Ag में फिर से मतलब यही वाला जो Ag है इसमें हम फिर से क्या ऐड कर दिए, NH3, तो इस बार क्या बन गया, AgNH3 का होल टू और प्लस टू चार्ज। अब K2 जो है वो क्या होगा, 5×10^4, ये भी कंसिडर कर लेते हैं, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा, ये फिर से ये कैंसिल आउट, ठीक है, और ओवरऑल क्या हो जाएगा, Ag प्लस प्लस 2NH3, NH3 यहाँ और NH3 यहाँ, 2NH3 बना क्या, ये AgNH3 का होल टू ये। तो Kf बराबर क्या हो जाएगा, Kf बराबर हो जाएगा ये इंटू ये, पढ़े थे ना कि बी एन इज इक्वल टू B1 इंटू B2, सॉरी बीटा, बी हम कह रहे हैं B1 इंटू B2, ठीक है, इंटू B3 etc जो है ये, सॉरी कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे वही Kf इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Kf इज इक्वल टू K1 इंटू क्या हो जाएगा, K2 इंटू क्या हो जाएगा, K3, डैश 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 जाएंगे, तो यहाँ पे K1 कितना है, 5 इंटू, और K2 कितना है, 5×, ठीक है, 10^4, और सॉरी ये वाला तो 10^3 है ना, K1 10^3, तो ये कितना निकल जाएगा, 5×10^10, ये आ जाएगा आपका Kf, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉर दिस फॉर्मेशन, ठीक। इसी में यदि हम दूसरा Ag प्लस 2Cn माइनस लेते हैं तो इससे ये बनता है, तो इसका Kf का वैल्यू जो होता है अप्रोक्स एक्सपेरिमेंटल जो है ये आपका आता है 7.5×10^19, ये ध्यान में रखना है इसका इतना जबरदस्त, ठीक। तो ये तो एक्सपेरिमेंटल है, बस आपको बताया जा रहा है कैसे होता है। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी, कौन कौन सा जो फैक्टर है वो स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है। तो सबसे पहला जो फैक्टर होगा, ठीक है, सबसे पहला जो फैक्टर होगा वो कहलाता है आपका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल एटम मेटल का। तो जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा उतना ही ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा और उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा रहेगा, जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा रहेगा उतना ही वो लिगेंड को जो कि निगेटिव चार्ज या फिर लोन पेयर रहेगा उसको अपने तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, सिंपल सी बात है। तो और सेम मेटल के लिए, सेम मेटल विथ सेम लिगेंड, और सेम मेटल है सेम लिगेंड है तब तो डायरेक्ट क्या करेंगे, जिसमें प्लस 3 है वो ज्यादा हो जाएगा प्लस 2 से, यानी कि हायर चार्जेस
मोर स्टेबल देन द लोअर चार्जेस। फॉर एग्जाम्पल यदि एफ ई के लिए बात करें तो एफ ई न्यूट्रल प्लस टू प्लस थ्री, तो ऑर्डर इस तरीके से हो जाएगा, कुछ आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है बात। यदि हम थ्री डी सीरीज की बात करें विथ सेम एलिमेंट्स, थ्री डी सीरीज की बात करें विथ सेम एलिमेंट, तो ऑर्डर ध्यान में रखेंगे, ठीक है, सेम सॉरी विथ सेम लिगेंड के साथ। और प्लस टू वाला बताए थे हम थ्री डी सीरीज, ठीक है, प्लस टू वाला बताए थे किसका कितना होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, याद कीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा वी वी आई है, ठीक है, स्टेबिलिटी का, एम एन प्लस टू लेस देन एफ ई प्लस टू लेस देन सी ओ प्लस टू लेस देन एन आई प्लस टू लेस देन सी यू प्लस टू और ग्रेटर देन जेड एन प्लस टू। और ये ठीक है मैंगनीज आयरन 25 है, 25 26 ठीक है 27 28 29 30 27 ठीक है 28 29 और 30 और 29 30 में ग्रेटर कौन हो गया 29 वाला एटॉमिक नंबर, ठीक है। 25 से लेकर के 30 वाला में ग्रेटर कौन चला जाएगा, प्लस टू वाला, एम एन प्लस टू देन एफ ई प्लस टू देन सी ओ प्लस टू एन आई प्लस टू, ठीक है, और सी यू प्लस टू और सॉरी सी यू प्लस टू ग्रेटर देन हो जाएगा जेड एन प्लस टू से। और इसको ये जो ऑर्डर आया ना, ठीक है, इस ऑर्डर को हम लोग इरविन विलियमसन ऑर्डर कहते हैं, ठीक है, इरविन विलियमसन ऑर्डर के नाम से ये जाना जाता है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। उसके बाद यदि हम बात करें तो दूसरा जो होता है वो आपका है, ठीक है, बेसिक नेचर ऑफ लिगेंड, बेसिक नेचर ऑफ लिगेंड। तो कहता है कि जितना ज़्यादा लिगेंड जो है वो बेसिक रहेगा उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा, मतलब सिंपल है। बेसिक का मतलब क्या कि लिगेंड पे ये लोन पेयर या फिर निगेटिव चार्ज का डेंसिटी क्या रहेगा ज़्यादा, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगा वो आसानी से क्या करेगा, जो सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम है उसको क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करना चाहेगा और उतना ही ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो एग्जांपल के तौर पे CN माइनस NH3 पानी की बात करें तो ज़्यादा बेसिक कौन हो जाएगा आपका CN, क्योंकि कार्बन पे निगेटिव मोर अनस्टेबल, और जितना ज़्यादा अनस्टेबल रहेगा उतना ही ज़्यादा वो आसानी से कोऑर्डिनेट करेगा, और जितना आसानी से कोऑर्डिनेट करेगा उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो स्टेबिलिटी इस तरीके से चली जाएगी, ठीक है, यानी स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, ठीक है, ये बेसिकली ये जो ऑर्डर दिया हुआ है ना ये बेसिक का दिया हुआ है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, ये बेसिक का दिया हुआ है, बेसिक कैरेक्टर का। तो ज्यादा बेसिक ये है तो बॉन्ड किसके साथ स्टेबल बनेगा, सी एन के साथ, ठीक है, क्लियर हुआ। और ये वाटर के साथ कम होगा। उसके बाद चिलेटिंग टेंडेंसी, कहता है कि ड्यू टू रिंग फॉर्मेशन स्टेबिलिटी ऑफ लिगेंड इंक्रीजेस, रिंग फॉर्मेशन के कारण भी जो लिगेंड का जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ता है, जाहिर सी बात है। अब जैसे एग्जांपल NiH2O प्लस सिक्स, ये तो इसमें तो कोई रिंग ही नहीं होगा क्योंकि पानी रिंग बनाता नहीं है, ठीक है, इसमें एक रिंग होगा, EN एक है तो एक EN तो रिंग बनाएगा क्योंकि दोनों तरफ क्या है NH2, ठीक है, CH2 और ये क्या हो जाएगा NH2, तो ये यहाँ भी मेटल है, ये ऐसे और ये ऐसे, तो क्या करेगा रिंग का फॉर्मेशन कर देगा, एक रिंग का तो ये बनाता ही है, और जनरली 1 2 3 4 5 मोमेंट का रिंग बनाएगा। यहाँ पे दो रिंग बनेगा क्योंकि ये N2 है, यहाँ पे तीन रिंग बनेगा क्योंकि कितना है तीन है, तो ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, यस ये वाला ज़्यादा स्टेबल आपका हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर भी देखिए हम नीचे आपको बना करके दिखाए हुए हैं किस तरीके से आएगी, ठीक है, बात समझ में आया। और एक आपका आता है मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट, मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट का कहने का मतलब होता है कि कोई वैसा लिगेंड है, ठीक है, वैसा लिगेंड है जो कि सेंट्रल मेटल एटम को दे रहा है, ये क्या बोलता है, इसमें बेसिकली होता क्या है ना कि जो नॉर्मल जो लिगेंड है उसके अकॉर्डिंगली इसका जो होता है आपका स्टेबिलिटी वो ज्यादा इंक्रीज करता है। अब रीजन क्या है, तो रीजन क्या है कि ये जो है लिगेंड जो है इसमें एक है, ये क्या कर रहा है केवल एक ही रिंग ज्यादा से ज्यादा बनाएगा, अब तीन है तब तीन बना पाएगा, ये पूरा का पूरा एक एक पूरा का पूरा लिगेंड ही है। अब जैसे ही मेटल आयन इसके बीच में आया और सबने कोऑर्डिनेट किया, जैसे ही सबने कोऑर्डिनेट किया ऑटोमेटिकली इसमें चार रिंग डेवलप हो जा रहा, एक ही लिगेंड से ऑटोमेटिकली कितने रिंग डेवलप हो जा रहे हैं, चार, और चारों रिंग जो है वो सिक्स मेंबर्ड रिंग है, यानी कि 4 6 मेंबर्ड रिंग आर फॉर्म्ड, ठीक है, ठीक है। एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट, जिसमें स्टेबिलिटी
और लिगेंड की तुलना में ज्यादा हो जाता है, ठीक है? तो ये भी ध्यान में रखेंगे। ठीक, अब यहाँ पे एक ये भी पॉइंट देखेंगे स्टेबिलिटी में, जैसे कि एफिसियन का होल 6-4, ये एफिसियन का होल 6-6। अब इसका स्टेबिलिटी कैसे, मेटल भी सेम है, ठीक है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ठीक। यहाँ पे +3 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, +2 आ रहा है, ठीक। तो अब किसके थ्रू हम लोग चले जाएंगे, चार्ज के थ्रू। पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी जस्ट पहला ही गए हैं, कैसे जाएंगे, चार्ज के थ्रू। ज्यादा चार्ज है, Fe3 मोर स्टेबल देन Fe2, ठीक है, ऐसा गया था। और ऐसे लेकिन किस तरीके से नहीं जाना है, तो जाना है जैसे EAN आपको नहीं देखना, EAN बराबर यहाँ 36, तो 36 हो जा रहा है, यहाँ EAN कितना आ रहा है, 35। तो अकॉर्डिंग टू EAN वाला जो है वो कौन सा स्टेबल होना चाहिए था, ये वाला, लेकिन हो कौन सा रहा है, ये वाला। तो ये केवल और केवल इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फॉर स्टेबिलिटी वी विल अप्लाइड फॉर ओनली कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। कार्बोनिल यदि है तो हम उसके लिए ही इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज जो हम लोग है वो इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है, ये बात समझ में आता है। उसके बाद हम अब आते हैं, ये स्टेबिलिटी का अपना काम पूरा समाप्त होता है। अब हम लोग देखने वाले हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, और कुछ जो है वो यूज है, ठीक है, किसका यूज है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहीं कुछ यूज है उसको भी देख लेंगे फटाफट। हाँ, तो क्या है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, तो सबसे पहले ऑर्गेनिक में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या है। ये उस प्रकार का कंपाउंड होता है जिसमें कि कार्बन डायरेक्टली अटैच रहता है मेटल से। कार्बन यदि डायरेक्टली, व्हेन कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड विथ मेटल, देन इट इज कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे कि R2Zn, तो मेटल जो है वो डायरेक्टली किससे, आर का मतलब क्या, अल्काइल ग्रुप, तो आर से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, मतलब कि ये कहलाएगा। Mg मेटल जुड़ा हुआ आर से कहलाएगा। ATC कई तरह के हो सकते हैं, लेकिन कुछ दिखने में लग सकते हैं लेकिन होंगे नहीं। जैसे कि ये Na सोडियम, ये किससे बॉन्डेड है, ये ऑक्सीजन से, आयोनिक बॉन्ड है, ये नहीं होगा। यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, कार्बन से होना चाहिए, ये नहीं होगा। इसका स्ट्रक्चर ये देखिए, ये इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। हाँ, अब इसमें खास बात है ना, इथाइल ऑर्थोबोरेट इसका नाम है, क्या नाम है, इथाइल, ठीक है, ऑर्थो बोरेट, बोरेट ये नाम है। हाँ, लेकिन इसको हीट करेंगे ना, हीट करेंगे ना, तो ये बॉन्ड विथ ग्रीन एज, ठीक है, ग्रीन एज, हरे रंग का एज बनाते हुए जो है ये जलता है, ठीक है, हरे रंग का एज बनाते हुए जो है वो जलता हुआ आपको नजर आएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये चीज ध्यान में रखना, बॉन्ड विथ ग्रीन एज। लेकिन यदि हम ये वाला हम लेते हैं कंपाउंड, ये वाला हम कंपाउंड लेते हैं, तो इसका यदि हम देखेंगे तो ये आपका OMC है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। क्यों ये OMC है, क्योंकि ये जो देख रहे हैं मिथाइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच किससे है, बोरोन से है, यानी कि ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाएगा। ध्यान में रखना है कि मेटल साइनाइड्स, पॉइंट है कि मेटल साइनाइड्स, कार्बाइड्स, कार्बोनेट ऑल नॉट कंसिडर्ड एज OMC, ये कंसिडर नहीं होते हैं OMC, क्योंकि सिग्निफिक सफिशियंट आयोनिक कैरेक्टर इसमें पाया जाता है, और चूंकि यहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात कर रहे हैं, सो दैट्स वाई भी। अगला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, किस तरीके से इसका क्लासिफिकेशन किया जाए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का, वो हम लोग देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो है वो सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्यों कहेंगे, तो वैसा कंपाउंड तो मोस्टली फॉर्म्ड करेगा बाय ट्रांजिशन एंड मेटलॉइड एलिमेंट, ठीक है, यानी कि ये फॉर्म करेगा ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ, यानी कि डी ब्लॉक के एलिमेंट के साथ, या फिर मेटलॉइड के साथ। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे RZnR, यानी R2Zn, ये जो हम लोग कहे थे R2Zn वो है, RMgX, ठीक है, ये RCDR, ठीक है, उसके बाद ये PLE, ठीक है, अब ये जो C2H5 होल 4 PB, ठीक है, ये टेट्रा इथाइल, ठीक है, पैलेडियम, ठीक है, टेट्रा इथाइल पैलेडियम, और ये ध्यान में रखना ये एंटी नॉकिंग के रूप में भी काम आता है, पेट्रोल में एंटी नॉकिंग के रूप में काम आता है, TlCl+, ठीक है, TlCl+,
CH3 का होल 3 AL जिगलर नेटा कैटलिस्ट इसको कहा जाता है, ये पॉलीमर में भी आप पढ़ेंगे, यूज्ड इन हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन में भी काम आता है ये। तो ये बेसिकली कुछ वैसे कंपाउंड्स होते हैं, तो मोस्टली फॉर्म्ड होते हैं बाय ट्रांजिशन एंड मेटलॉइड एलिमेंट्स। पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, तो ये यूजुअली फॉर्म होते हैं ट्रांजिशन मेटल के साथ ही। इसके साथ होगा ट्रांजिशन मेटल के साथ। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे ये आपका क्या है, फेरोसिन, क्या है फेरोसिन, पहले भी पढ़ चुके हैं, Fe ईटा 5 C5 और H5, याद है का होल 2, ये वाला ऐसा था, ये इसका स्ट्रक्चर, ये नेगेटिव, और यहाँ पे क्या था Fe+2 के साथ, ठीक है +2 के साथ, और यहाँ पे ये ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा, ठीक है ये ऐसा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे Fe आयरन जो है ये फेरोसिन, इसको क्या सैंडविच स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, ठीक है, पूरा का पूरा एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर ये होता है, ठीक है। सीआर बेसिकली ये पूरा गोल गोल ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बनता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इसको कोऑर्डिनेट करता हुआ नजर आता है। ये Cr8H6C6+2, ठीक है, KPTCl3 ईटा C2H4, जीजेस सॉल्ट, ठीक है ठीक है, जीजेस सॉल्ट, ये PT याद आ रहा है, ये ऐसे बना था, ये सब पढ़ चुके हैं पहले। यहाँ पे Cl, ये ठीक है, ये कोऑर्डिनेट कर रहा था अपना पाई और सी के बीच में डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे ये हाइड्रोजन और ये ऊपर भी ये हाइड्रोजन, ये इस तरीके से आपको अपना पाई बॉन्ड जो है वो इसको क्या कर रहा था, डोनेट कर रहा था। ध्यान में रखना है नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड भी पूछ सकता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना आएगा, 9, कैसे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक यह क्या हो जाएगा 9, ये वाला, तो टोटल 9 सिग्मा बॉन्ड आएगा। उसके बाद मेटल कार्बोनिल यदि हम बात करें, तो मेटल कार्बोनिल ध्यान में रखना, मेटल कार्बोनिल बोलता है कि बाइनरी कंपाउंड्स जो होता है, ठीक है, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ मेटल विथ कार्बोनिल, ठीक है, विथ कार्बोनिल आर कॉल्ड मेटल कार्बोन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल कार्बोनिल। मेटल कार्बोनिल भी 3 तरीके का होता है, ठीक है, मेटल कार्बोनिल इज ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है, फर्स्ट वन इज मोनोन्यूक्लियर, ठीक है, मोनोन्यूक्लियर मीन्स ओनली वन सेंट्रल एटम, ठीक है, दे हैव ओनली वन सेंट्रल एटम, ब्रिज और बाइन्यूक्लियर, बाइन्यूक्लियर मीन्स की मोर देन वन सेंट्रल एटम, दैट इज 2, ठीक है, ब्रिज और बाइन्यूक्लियर, बाई मीन्स 2, मीन्स 2 टोटल नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल इज 2, एंड पॉलीन्यूक्लियर मीन्स की सेंट्रल मेटल एटम ग्रेटर देन 2, नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इज ग्रेटर देन 2, फॉर एग्जाम्पल NiCO होल 4, FeCO होल 5, CrCO होल 6, ऑल आर कार्बोनिल एक्ट एज अ लिगेंड, एंड कार्बोनिल इज हाईली स्ट्रॉन्ग फिल्ड लिगेंड, ठीक, एंड वी ऑल नोज वॉट फॉर 4D एंड 5D मेटल, फॉर 4D एंड 5D मेटल ऑल लिगेंड्स एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग फिल्ड लिगेंड। सो Mn2CO10, Fe2CO9 एंड CO2CO12, दिस ऑल आर द टाइप्स ऑफ कार्बोनिल, ठीक है, मेटल कार्बोनिल, एंड सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स बोथ आर प्रेजेंट इन दिस, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बोथ आर प्रेजेंट, फॉर एग्जाम्पल सॉरी बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। सो यहाँ पे क्या नजर आ रहा है कि मेटल है और कार्बोनिल है, तो जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि कार्बोनिल जो रहेगा वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है मेटल को क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, और कोऑर्डिनेट करते ही कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। लेकिन यदि कोई वैसा सिचुएशन आया जिसमें कि मेटल के पास इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन है और कार्बोनिल के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये जब अपना इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, कोऑर्डिनेट यदि करता है किसी सिचुएशन में, तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। बात समझ में आया, तो वही हम लोग बता रहे थे, क्या बोल रहे थे कि कार्बोनिल में यदि देखा जाए तो सिग्मा बॉन्ड के साथ पाई बॉन्ड भी मौजूद रख सकता है, ठीक। और पहली बात क्या होगी कि जो डोनेशन होगा लोन पेयर का
कार्बन टू वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ, ये तो बात बता दिए, तभी क्या फॉर्मेशन होगा सिग्मा बॉन्ड का। और यदि मेटल जो है वो कार्बोनिल के वैकेंट ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डालेगा तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। बात समझ में आया, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, क्लियर है। अब जरा सा देखेंगे यहाँ पे कि किस तरीके से, ये तो एक डायग्राम है जिससे कि ये बॉन्ड बनता नजर आ रहा है। अब क्या बोलता है कि डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ मेटल डी ऑर्बिटल टू वैकेंट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ सीओ फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। किसका फॉर्मेशन होता है? पाई बॉन्ड। जैसे ये कार्बोनिल वाला कार्बन था, ये ऑक्सीजन का ऑर्बिटल है, ठीक है, ये कार्बन वाला ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। अब ये मेटल मेटल वाला जब फॉर्म करेगा तो कौन सा बॉन्ड बना लेगा? यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, ये क्या बनेगा? पाई बॉन्ड। हालांकि इसमें पहले से ही बना हुआ है वो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये पूरे का पूरा साथ, ये क्या बना रहा है आपका? सिग्मा बॉन्ड। जब कार्बोनिल ने मेटल में डाला इधर से, ये हम इधर से ये दिखा रहे, तो ये जब इधर गया तो क्या बना? सिग्मा। लेकिन जब इधर से इधर की ओर आया, जब इधर से इधर की ओर आया तो क्या बना आपका? पाई बॉन्ड। एंड दिस पाई बॉन्ड आर ऑल्सो कॉल्ड सिनर्जिक बॉन्डिंग। इसे क्या बोला जाता है? सिनर्जिक बॉन्डिंग जो है वो कहा जाता है। समझ में आया? कार्बोनिल मेटल को देगा सिग्मा, मेटल कार्बोनिल को देगा पाई, एंड दैट्स पाई आर कॉल्ड सिनर्जिक बॉन्डिंग, ठीक है। तो ध्यान में रखना है यहाँ पे और एक चीज की, मोर इज द डोनेशन ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल टू कार्बन, ठीक है, बॉन्ड जो होगा वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। मेटल से इधर की ओर जाएगा, कार्बन की तरफ जाएगा तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, लेकिन कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ जाएगा तो वो क्या बनेगा आपका? वीकर बॉन्ड बनेगा। तो सिंपल सी बात है कि बॉन्ड ऑर्डर कार्बोनिल, ठीक है, बॉन्ड जो होगा, सॉरी, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बोनिल बॉन्ड डिक्रीज होते जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बोनिल बॉन्ड क्या होते जाएगा? डिक्रीज। यानी कि बॉन्ड ऑर्डर, ये तो पहले ही पढ़े हैं, बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली टू बॉन्ड लेंथ, यानी कि बॉन्ड लेंथ ऑफ सी ओ क्या होगा? इंक्रीज होते जाएगा। बॉन्ड लेंथ ऑफ सी ओ क्या होगा? इंक्रीज। अब इसमें देखेंगे कैसे कैसे हो रहा है, क्वेश्चन आईआईटी में भी पूछा हुआ, जेई में पूछा हुआ है, एम एन सी ओ फाइव और सिक्स, ठीक है, इस पे सिक्स सिक्स। अब इसमें बताना है आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ एम और कार्बन, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बोनिल, ठीक है, और बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बोनिल। तो यदि यहाँ पे देखा जाए तो क्या नजर आएगा? एम एन प्लस है तो ये सब न्यूट्रल, इस पे क्या आ जाएगा? प्लस प्लस, ये भी कुछ नहीं है तो ये तो न्यूट्रल, और इस पे क्या आ जाएगा? माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा न्यूट्रल। तो अब देखेंगे इसका कॉन्फिग्रेशन 3d6 3d6 3d6, सबका कॉन्फिग्रेशन सेम आ गया। अब सबका कॉन्फिग्रेशन सेम आ गया, अच्छा, इसका इलेक्ट्रॉन ईएन भी सबका क्या आ रहा? सेम, सबका ईएन भी सेम, सबका कॉन्फिग्रेशन भी सेम, और जो सबका ये हाइब्रिडाइजेशन है वो भी क्या आ रहा है? सेम। अब कैसे पता करेंगे कि मेटल का कार्बन के साथ बॉन्ड जो है वो स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा या कम होगा? तो देखेंगे कि मेटल चार्ज आ रहा है, मेटल का पॉजिटिव, यहाँ न्यूट्रल, यहाँ निगेटिव। तो हम बताए थे कि यदि पॉजिटिव चार्ज आ रहा है अकॉर्डिंग टू चार्ज, तो जेड इफेक्टिव इसका क्या हुआ? बढ़ा है, बढ़ा हुआ है। अब बढ़ा हुआ है तो जो इधर से जो कार्बन है वो इधर क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, ठीक है, देगा इसको। अब देगा इलेक्ट्रॉन इसका जेड इफेक्टिव को कम करने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो मेटल कार्बन का जो बॉन्ड है वो क्या बनेगा? ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन क्या पूछा था? बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, मेटल कार्बोनिल बॉन्ड लेंथ ऑफ, ठीक है, अच्छा हाँ, बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बोनिल, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बोनिल किसके साथ हो जाएगा? तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बोनिल के साथ बना रहा है ना CO, बॉन्ड किसके साथ बना रहा है? कार्बोनिल के साथ बना रहा है। तो बॉन्ड ऑर्डर कार्बोनिल का किसका ज्यादा होगा? A के साथ, ठीक है, देन उसके बाद B के साथ, देन उसके बाद किसके साथ होगा? C के साथ। और बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली टू क्या हो जाएगा? बॉन्ड लेंथ, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली टू बॉन्ड लेंथ। तो आंसर क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे? A लेस देन B लेस देन C। और यहाँ पे मेटल का कार्बन के साथ जो है वो क्या हो जाएगा? अब क्या बोला है कि मेटल कार्बन क्या बोलता है कि मोर द डोनेशन ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल टू कार्बन, ठीक है, ऑफ मेटल टू कार्बन, एम बॉन्ड आर स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ मेटल से कार्बन के तौर पे तो गया ही नहीं, उधर से इधर आया है,
तो उधर से इधर किसमें ज्यादा आया है, तो उधर से इधर आया है पहला में, तो ये वाला जो होगा इसके और इसके बीच का जो होगा वो क्या हम लोग बोलेंगे, वीक कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे, वीक। तो ये हो जाएगा ए लेस देन बी लेस देन सी। अब इसमें एक आता है बॉन्डिंग इन पाई डोनर एज पाई एसिड एक्सेप्टर, ये चीज आ जाता है। अब इसमें जैसे कि ये एग्जांपल ले लेते हैं जीजस सॉल्ट का अपना, ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड पहले क्या देखने को मिलेगा, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू वैकेंट डी ऑफ मेटल, यानी कि होगा क्या कि ये और इसके बीच में क्या नजर आएगा, सिग्मा बॉन्ड, ये और इसके बीच में क्या नजर आएगा, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब ये तो पहले से ही है आपका, ये कार्बोनिल है, ये सॉरी इथाइन इथिन है, सी और सी के बीच में डबल, और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, तो एक क्या है आपका सिग्मा, ठीक है, और एक क्या है आपका पाई। तो ये वाला जो पाई आपका बना हुआ है ये ऑलरेडी पहले से है, ये ऑलरेडी क्या है, पहले से है पाई बॉन्ड, ठीक है, पाई बॉन्ड बनेला है पहले से। अब यहाँ पे मेटल आया, तो अब मेटल जो है अपना ऑर्बिटल जो है वो किधर की तरफ आपका गया, मूव किया, फॉर्मेशन किधर, सॉरी किधर की ओर जा रहा है, ये वाला, इस वाले यानी इसका वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल, और यहाँ पे क्या मिला, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ इसका वैकेंट ऑर्बिटल जब ओवरलैप किया तब यहाँ पे फॉर्मेशन होता है सिग्मा बॉन्ड का, तब यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाता है, सिग्मा बॉन्ड का। तो ध्यान में रखेंगे पाई डोनर है, ठीक है, पाई डोनर है, ध्यान में रखना है, ये क्या है पाई डोनर, और फॉर्मेशन किसका होगा यहाँ पे, सिग्मा बॉन्ड का। दूसरा देखेंगे पाई बॉन्ड का, तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन डोनेशन ऑफ डी इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल टू वैकेंट एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल, यहाँ पे किसमें दिया, वैकेंट एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल में, ठीक है, यहाँ पे ये हो। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, सबसे पहले ये कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो गया, बॉन्ड बन गया, ठीक है, ये पहले से बना हुआ, और ये वाला जो है ये ऑर्बिटल जो है, ठीक है, ये ऑर्बिटल जो है यदि एम भी यदि उसका पाई वाला डायरेक्ट इसके से क्या हो जाए, ओवरलैप हो जाए, ठीक है, क्या बोला, फॉर्मेशन, सॉरी ड्यूरेशन ऑफ फॉर्मेशन डोनेशन, डोनेशन ऑफ डी इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल टू वैकेंट एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल, यदि इसका वैकेंट है एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल और ये इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है, तब किस चीज का फॉर्मेशन होगा, तब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, किस चीज का फॉर्मेशन होगा, पाई बॉन्ड का, और ये पॉइंट पाई बॉन्ड फिर से सिनर्जिक बॉन्डिंग कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सिनर्जिक बॉन्डिंग कहलाएगा, बोलो बात समझ में आ रहा है। अब ये पूरा बॉन्डिंग का जो टाइप था, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड था, ये भी खत्म होता है। अब हम लोग लास्ट इस चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं जो क्या आपको बताएगा, एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बताएगा। तो एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सबसे पहले देखेंगे वो टेस्ट ऑफ निकल, टेस्ट ऑफ क्या देखेंगे, निकल, ये याद रखना है, ज्यादा कुछ अब इसमें बचा नहीं है चैप्टर समाप्ति की ओर। तो टेस्ट ऑफ निकल में क्या देखना है कि Ni+2 का यदि हम लोग किसके साथ करवा दे, 2DmG, ठीक है, किसके साथ करवा दे, 2DmG, किसके प्रेजेंस में, सोडियम सॉरी एमोनियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, तो ये क्या बन जाएगा Ni, यानी ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, किसका फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स, और ये कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरीके से नजर आएगा, ये Ni है बीच में +2, ये नाइट्रोजन इधर से, ये इधर से, ये इधर से, ये इधर से, ठीक है, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बनता है, ये बात ध्यान में रखना है, यहाँ से कौन सा बॉन्ड बनता है, बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बनता हुआ नजर आएगा। तो वो दो जो है, ठीक है, दो जो है वो क्या बनेगा आपका, फोर मेंबर रिंग, रिंग कैसे बनेंगे, तो फोर रिंग्स बनेंगे, इसमें दो बनेंगे 5 मेंबर्स और दो बनेंगे 6 मेंबर्स, तो ये जो है पहला जो है ये 5 मेंबर्ड है, ये जो दूसरा है वो भी 5 मेंबर्ड है, लेकिन ये तीसरा जो है वो 6 मेंबर्ड है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये 6 मेंबर्ड बना है,
और ये भी क्या बना है आपका, सिक्स मेंबर्ड बना है, ठीक। तो ये ध्यान में रखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट बात है कि ये वाला जो बनेगा, ठीक है, कैसा बनता है, तो रोजी रेड पीपीटी बनता है। कैसा कलर इसका रहता है, रोजी रेड पीपीटी तुम्हारा बनता है, ठीक है। एस्टिमेशन ऑफ एन आई प्लस टू में काम आता है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकल का यहाँ पे प्लस टू रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर फोर रहेगा, ज्योमेट्री इसका जो होता है वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन डीएसपी टू और न्यू इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे अब बात करें दूसरा, तो दूसरा है ईडीटीएम माइनस फोर। ये जो होता है इसको यूज किया जाता है एज अ वाटर प्यूरिफायर के तौर पे। इसको रिमूव, हार्डनेस रिमूव करने में काम में लाया जाता है। कैल्शियम प्लस टू एंड मैग्नेशियम प्लस टू जो वाटर में फॉर्म होता है उसको रिमूव करता है। ध्यान में रखना है बस वो बी प्लस टू, ठीक है, बी प्लस टू को रिमूव नहीं करता है, ये चीज ध्यान में रखना है। रिमूव क्या करेगा, पी बी पॉइजन जो रहता है उसको जो है जो है उसको रिमूव करेगा। स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरीके से होता है। यदि हम एक मेटल के साथ इसका स्ट्रक्चर देखें सी ओ ए डी टी ए माइनस टू, तो ये पूरा जो है स्ट्रक्चर जो है आएगा, ठीक है, जिसमें कि अलग अलग तरीके से ये बॉन्ड बनाता हुआ नजर आएगा, जिसमें फाइव मेंबर्ड रिंग बनता हुआ आपको नजर आता है। वन टू थ्री फोर फाइव मेंबर्ड जो है रिंग बनता हुआ नजर आएगा। इसमें जेई एडवांस में फिजर टाइप ये भी पूछा हुआ है कि नंबर ऑफ नाइट्रोजन सी ओ और ओ बॉन्ड कितने बनेंगे। नाइट्रोजन सी ओ और ओ, तो नाइट्रोजन सी ओ और ओ कितना हुआ, एक हुआ, ठीक है। नीचे से कितना हुआ, दो हुआ, ठीक है। इधर से कितना आ जाएगा, ये तीन हो जाएगा, नाइट्रोजन सी ओ और ये तीन, और ये और नीचे वाला चार, यहाँ तो चार ही नजर आ रहा। अब और भी है, देखो दिखाते हैं, ये देखो ये नाइट्रोजन सी ओ, ये इधर आओ, मतलब पहले तो अपने ही घर में घुस रहे थे ना, अंदर बाहर वाले में जाओ, चार हो गए थे, ये हो गए पांच, ठीक है, ये होगा छः, अब यहाँ से जाओ सात, और यहाँ से आएगा आठ। तो इस तरीके से ये आपको आठ बनेंगे। और नाइट्रोजन कार्बोनिल और नाइट्रोजन कितने बनेंगे, केवल एक ही। नाइट्रोजन कार्बोनिल और नाइट्रोजन केवल कितने बनेंगे, एक ही। ये है उसके बाद तीसरा का, तीसरा जो है ये क्या है, K4FeCN का होल सिक्स। इसको यूज किया जाता है एस्टिमेशन ऑफ, ठीक है, Fe प्लस थ्री सी यू प्लस टू जेड एन प्लस टू, इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। कैसे, तो Fe प्लस थ्री में क्या डालो, FeCN का होल सिक्स डाल दो, बन क्या जाएगा Fe4। ये और ये पर्सियन ब्लू कलर का होता है, तो कलर के कलर से पहचान में आता है। कॉपर ले लें, जिंक ले लें, तो इसके साथ यदि हम इसका रिएक्शन करवाते हैं FeCN का K4FeCN वाला ये वाला पार्ट को, तो ये क्या बनता है, ये इसका कलर जो बनता है कॉम्प्लेक्स का वो चॉकलेट ब्राउन कलर का बनता है, ठीक है। और ये कैसा बनता है, वाइट पीपीटी। तो पर्सियन ब्लू किसके लिए हो जाएगा, आयरन के लिए, ठीक है, आयरन के लिए प्लस थ्री के लिए पर्सियन ब्लू। चॉकलेट ब्राउन किसके लिए हो जाएगा, कॉपर प्लस टू के लिए। कॉपर जो होता है वो चॉकलेटी थोड़ा नजर भी आता है, वैसे भी याद कर सकते हैं कि पर्सियन ब्लू की तरह। और ये क्या हो जाएगा, जेड एन वाइट पीपीटी, जिंक वैसा थोड़ा सा नजर भी आता है, तो आप वैसे भी याद कर सकते हैं कि जेडन प्लस टू में कौन सा पीपीटी बनेगा, व्हाइट पीपीटी। इसको याद रखिए, ये चॉकलेट वाला कलर और ये आपका व्हाइट पीपीटी बन जाएगा। एक विल्किंसन कैटलिस्ट कहलाता है, ठीक है, विल्किंसन कैटलिस्ट। तो विल्किंसन कैटलिस्ट किसको कहते हैं, इसको आर एच पी एच थ्री पी होल थ्री सी एल, ये क्या कहलाएगा, विल्किंसन कैटलिस्ट। इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है DSP2 और ये कैसा होता है, स्क्वायर प्लेनर, पढ़ चुके हैं एग्जांपल में, ठीक है। इसको यूज करते हैं हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में, ये कैसे काम आता है, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में इसको काम में लाते हैं। और थोड़ा बहुत बचा है चैप्टर में, टेस्ट ऑफ सल्फाइड, टेस्ट ऑफ सल्फाइड पांचवा देख रहे हैं, टेस्ट ऑफ सल्फाइड, ठीक है, या तो नाइट्रोफॉस्फाइड टेस्ट भी इसको कहा जाता है। तो Na, ठीक है, Na2Fe
सी एन का होल फाइव एन ओ, इसका रिएक्शन यदि हम लोग एन ए टू एस के साथ करवाएं तो ये क्या बनेगा, एन ए फोर, ठीक है, एफ ई सी एन का होल फाइव और एन ओ क्या रहेगा फाइव, ये बनता है एन ओ फाइव। और ये कैसा होता है वॉयलेट, तो बेसिकली ये वॉयलेट कलर से ही पहचान में आ रहा है, ब्राउन रिंग टेस्ट ये पहले ही पढ़ चुके हैं, ये कैसा होता है ब्राउन रिंग होता है, ब्राउन रिंग बनाता है। तो ये सब का सब जो है ना टेस्ट है, एफ ई प्लस थ्री अभी भी पढ़े थे, अब के एस सी एन में डालेंगे तो ब्राउन रेड कलर का ये आ जाएगा, तो ये भी एक प्रकार का टेस्ट है। ये कॉपर वाला, ठीक है, स्विचर्स रिएजेंट इसको कहा जाता है, ठीक है, ये डार्क ब्लू जो कलर बनता है कॉपर एन एस थ्री का होल फोर एस ओ फोर, ये स्विचर्स रिएजेंट जो है वो कहलाता है, डार्क ब्लू कलर यहाँ पे होगा। उसके बाद बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस देख लें थोड़ा सा, लास्ट है एकदम, बस चैप्टर समाप्त है। बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस देखें तो बोलता है कि एफ ई जो रहता है एफ ई प्लस टू, ठीक है, एफ ई प्लस टू जो रहता है वो कहाँ पे काम आता है, कहाँ पे मिलता है आपको, हेमोग्लोबिन में भी मिलता है, ठीक है। एम जी, एम जी कहाँ मिलेगा, क्लोरोफिल में। कोबाल्ट, कोबाल्ट कहाँ मिलता है, विटामिन ट्वेल्व में कोबाल्ट रहता है। जिंक कहाँ, इंसुलिन में। कार्बोक्सी पेप्टाइड कहाँ पे, तो जिंक में, ठीक है। और अगला जो हम लोग देखेंगे वो क्या, रिकवरी ऑफ ए जी ए यू फ्रॉम मैकऑर्थर साइनाइड प्रोसेस, मतलब कि ये बेसिकली मैकऑर्थर साइनाइड प्रोसेस क्या है, ए जी, ठीक है, और ए यू गोल्ड और सिल्वर को निकालने का प्रोसेस, ठीक है, मेटलर्जिकल प्रोसेस। उसके बाद यदि हम बात करें इन फोटोग्राफी, तो फोटोग्राफी में भी ये जो है एच म्यू यदि हम डालें क्या मिल जाएगा, ए जी प्लस हाफ बी आर टू, ठीक है, क्या मिलेगा बी आर टू। और ठीक है, यदि हम लोग ए जी बी आर को डाल दें हाइपो सॉल्यूशन में, यानी एन ए टू एच टू ओ थ्री, हाइपो सॉल्यूशन पहले भी आया है, तो ये बन जाएगा एन ए थ्री, ठीक है, ए जी एच टू ओ थ्री टू, ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। तो फोटोग्राफी में भी ये काम में आता है। तो इस प्रकार से जो है पूरा कोऑर्डिनेशन आपका होता है समाप्त, जितना था मेरे पास उतना हम कंप्लीट आपको दे चुके हैं, ठीक है, और इसका पीडीएफ भी आपको ग्रुप पे भेज चुके हैं, आप नोट्स बना सकते हैं जितना अच्छे तरीके से बनाइए। मॉड्यूल भी आपको हम पीडीएफ भेज चुके हैं, ठीक है, वो सारा कुछ भी हो चुका है। तो आई थिंक पूरा चैप्टर समाप्त होता है, टेस्ट भी है आपको, कल टेस्ट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, फिर से भी टेस्ट होगा, जब मेजर एक बार और टेस्ट होगा तो भी उसमें रहेगा। तो अच्छे से इसको बनाना है, करना है, आज यही समाप्त किया जाए। कोई डाउट्स है क्या? हेलो, कोई डाउट नहीं है? हो गया ना पूरा? हाँ, कल टेस्ट है। हेलो, हाँ कल टेस्ट है इसी का। हाँ ओके, हाँ तो मॉड्यूल भेजा हुआ है उससे क्वेश्चन करना, ठीक है, या बुक सवाल का उससे करो, जो डाउट रहेगा वो भेज। चलो ठीक है, मीटिंग बंद कर रहे।